तुम्हारे जैसा बेवकूफ ना कभी पैदा हुआ है ना कभी होगा। Now what's my mistake? तुम खुद ही चलते फिरते मिस्टेक हो, ऊपर वाले ने भी तुम्हें मिस्टेक से बनाया। Hey, listen, कमेंट्स करने के बजाय कोई रास्ता सोचो। मालविका, तुम्हें तो सिर्फ मालविका की पड़ी है, यहाँ मैं प्रीति के लिए वारिड हूँ। प्रीति के लिए? क्यों? वैसे ही जैसे तुम मालविका के लिए। You mean कि? I realize a little late, पर यही सच है कि प्रीति जितना मुझे प्यार करती है, जितना केयर करती है, और कोई नहीं कर सकती। I admit she's a little dumb, but well, maybe a little more than little. तुम्हारे जितना। Hey, but I like this. ज़िंदगी में पहली बार तुम किसी के लिए सीरियस हुए हो। What's the use, यार? It's too late. Hey, it's never too late. चलो मेरे साथ। तुम्हारे साथ? कहाँ? Trust me. Trust you. Okay. You mean to say कि हम चुपके से पंडित को बुला ले और दोनों लड़कियों को भी और शादी करवा दे? Yes, प्रीति की सिड से और मालविका की सैंडी से। But अगर लड़कियां राजी नहीं हुई तो? होंगी होंगी, trust me. Trust you. Okay. Look who's here. Who? You and you. No, don't start that again. बेटे लोग, हम चाहते हैं कि तुम लोग आज घर जल्दी आओ। We've planned certain things. हमें भी एक सरप्राइज देनी है। Yeah, वो भी हम शाम को ही देंगे। Major surprise. Bye uncle. Bye dad. Bye uncle. Bye dad. Hey Piyu, अब आएगा मजा। अबे बुड्ढे, पंडित को फोन लगा। हाँ। भाई ये पंडित अभी तक क्यों नहीं आया? और फिर बहुएं और बेटे भी तो नहीं आए। टीना, तुमने मालविका और प्रीति को इन्फॉर्म तो कर दिया था ना? जी दादू, और उन दोनों ने प्रॉमिस भी किया था कि वो जरूर आएंगी। अरे सीनियर सर, देखिए दोनों आ गए। अरे ये तो तीनों आ गए। नहीं नहीं, चारों आ गए। चलो अब डैडी, हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। हाँ हाँ, कहो कहो, फिर हमें भी कुछ कहना है। तो फिर पहले आप दोनों कह दीजिए। ओके, हमने पंडित को बुला लिया है और आज अभी इसी वक्त संदीप तुम्हारी और मालविका की और तुम्हारी और प्रीति की शादी की जाएगी और तुम हमें इनकार नहीं कर सकते क्योंकि ये हमारा अधिकार है। डैडी, जरा सी देर कर दी आपने। वो क्या है कि हम ऑलरेडी शादी कर चुके हैं। क्या? पर सिर्फ जरा सा चेंज के साथ। मेरी शादी प्रीति से हुई है और मेरी मालविका से। बट why so? बिकॉज आई लव मालविका एंड आई लव प्रीति। अच्छा है, अब टीना मेरे साथ रह सकती है। What do you mean तेरे साथ रह सकती है? टीना मेरे साथ रहेगी। Oh, Daddy. टीना सिर्फ 10 दिन के लिए आपके पास रहेगी और फिर सिर्फ 10 दिन के लिए आपके पास, क्योंकि हम दोनों 20 दिनों के लिए हम लोग अपने हनीमून पर जा रहे हैं और उसके बाद टीना हमारे साथ रहेगी। Oh, दादू, how exciting! That means अब मेरे पास सिर्फ दो-दो डैडीज नहीं, दो-दो मम्मीज भी हैं।